हेलो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ फिर से और एक इंटरेस्टिंग वीडियो। आप यहाँ पे देख सकते हैं, सामने है मी 11 लाइट। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया गेम प्ले कर दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा इसका गेमिंग परफॉर्मेंस। अगर आप इस फ़ोन के प्रोसेसर की बात करते हैं तो आपको मी 11 लाइट में मिलता है स्नैपड्रैगन 732G का प्रोसेसर। अच्छा प्रोसेसर है, आप गेमिंग कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरह का आपको गेमिंग एक्सपीरियंस मिलता है। तो यहाँ पे गेम प्ले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस फोन के डिफ़ॉल्ट ग्राफिक्स दिखा देता हूँ। अगर आप स्मूथ पे गेम प्ले करते हैं, जो फ्रेम रेट है वो आपको अल्ट्रा का मिलता है। अगर आप इसे बैलेंस पे स्विच करोगे, सेम जो फ्रेम रेट है वो आपको अल्ट्रा का मिलेगा। अगर आप HD पे गेम खेलते हो, जो फ्रेम रेट है वो सिर्फ आपको हाई का मिलता है। सबसे बेटर ऑप्शन यही है कि आप स्मूथ प्लस अल्ट्रा पर खेलिए। तो यहाँ पे आपने देखा, मैंने आपको लाइव गेम प्ले कर दिखाया है। एंड अब बात करते हैं मी 11 लाइट के गेमिंग परफॉर्मेंस की। आपको इस फ़ोन में काफ़ी अच्छा गेमिंग परफॉर्मेंस मिलता है, आप आसानी से गेम्स खेल सकते हैं। ज़्यादा लैग वगैरह मुझे देखने को नहीं मिला है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है मेरे लिए रिकॉर्ड करते हुए गेम प्ले करना। और जो इसका जायरोस्कोप है ये भी काफ़ी अच्छे से काम करता है, डिपेंड करता है आपकी सेंसिटिविटी पे, आप बड़े गेम्स आसानी से मी 11 लाइट में खेल सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिए। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। एंड अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।